Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, हमारे प्रेस क्लब में जहाँ पे हमारे साथ जो करतार सिंह फाउंडेशन है उनके मेंबर यहाँ पे हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। जो करतार सिंह गुरुद्वारे की बात हो रही, तो किस चीज़ को लेके आज फाउंडेशन के द्वारा यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, तो हम सर से बात करते हैं। सर, जैसे करतार सिंह जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, और करतार सिंह फाउंडेशन के द्वारा आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, तो उसके मेन मुद्दे आपके क्या है? यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं? करतारपुर फाउंडेशन लास्ट रेस्टिंग पॉइंट था गुरु नानक देव जी का, जो कि सिख रिलीजन में बहुत महत्वपूर्ण है, और ये एक फॉरेन कंट्री में है जो कि पाकिस्तान है। तो NRI सिख बाहर से, USA, कनाडा, UK से चाहते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी पेट्रन इन चीफ बने करतारपुर फाउंडेशन इंडिया के। फिर उसकी हर एक दुनिया में जहाँ जहाँ सिख कम्युनिटी है वहाँ पे एक चैप्टर्स बने। तो जिन्होंने डोनेशन गुरु नानक देव जी के नाम पे देनी है और एजुकेशन कॉलेजेस बनाने हैं या कोई स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट्स करनी है, वो एक गुरु नानक के नाम से अगर कोई कुछ करता है तो वो एक अच्छी संस्था के, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व हो, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NRIs को इन्वॉल्व करे, NRIs गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प करें, और गुरु नानक देव जी का जो पीस मैसेज है, जो ब्रदरहुड का मैसेज है मुस्लिम सिख और हिंदूज़ में, इसको हम इंडिया में अच्छी तरह स्प्रेड कर सकें। अच्छा सर, जो गुरुद्वारा है पाकिस्तान में, इतने दिन बाद क्यों याद आई उसकी? क्योंकि अगर हाँ पता करें तो खंडर वो गुरुद्वारा हुआ है, और आज आप जो उसी के नाम से एक फाउंडेशन आप बना रहे हो, और उसमें कह रहे चीफ मिनिस्टर भी और जो प्रधानमंत्री है वे भी उसमें मिल के चले तो शायद कुछ होए, और जो वहाँ पे जितना भी फंड आता है वो सीधा मेरे हिसाब से गुरुद्वारे के नाम से आता है, और वहाँ जो अदर कंट्री है पाकिस्तान जो कंट्री है वही उसका फ़ायदा उठाती होगी। ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स रही हैं पंजाब की, स्पेशली अकाली दल जिसका SGPC कंट्रोल करते हैं सारे गुरुद्वारे पंजाब में, इन्होंने ये करतारपुर कॉरिडोर करतारपुर का खोलने नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली जो इंडिया गवर्नमेंट दिल्ली में थी उन्होंने इस पर गौर नहीं दिया। सो मैं तो यही समझता हूँ, और NRI 6 भी यही समझते हैं कि अकाली दल बादल ने इसको खोलने नहीं दिया, क्योंकि इन्होंने 25 साल राज किया। क्या एक राज्य की सरकार इसको रुकावट बनी हुई थी? जैसे कि अब केंद्र सरकार की आप बात करते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनको भी आप एक मैसेज दे रहे हैं इसके लिए कि भाई आप भी आगे बढ़ो, और इसको आगे के लिए कि जो भी पैसा आता है उसको अच्छे काम में लगाए, तो इंडिया को कितना फायदा होगा उसका, आपकी जो फाउंडेशन है उसके द्वारा? देखो, गुरु नानक की फिलॉसफी एजुकेशन और हार्ड वर्क पे बेसिस है, और फैमिली स्ट्रक्चर पे है। तो 99% जो सिख NRIs हैं बाहर जी, जो गुरु नानक की फिलॉसफी पे बिलीव करते हैं, पढ़ते हैं, और वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को आगे भी पढ़ाएं, तो ज़्यादा फ़ायदा तो पंजाब इंडिया को होगा जी। टूरिस्ट का फ़ायदा पाकिस्तान को ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ब्रिटिश ने हमारे साथ ये धोखा किया उस टाइम कि जो हिस्टोरिकल प्लेस थी वो पंजाब में उन्होंने नहीं ऐड किया। तो पर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का भी थैंक यू करते हैं कि उन्होंने भी पर्सनल इनिशिएटिव लेके ये करतारपुर कॉरिडोर खोला। तो इसमें 3 प्लेयर्स हैं जिसका हम थैंक यू करना चाहते हैं, नवजोत सिद्धू, नरेंद्र मोदी जी और इमरान खान। अच्छा सर, जैसे NRC की आप बात कर रहे हैं, जो हमारे सरदार भाई है बाहर विदेशों में रहते हैं, और शायद आप भी बाहर रहते हैं वहीं पे अपना बिजनेस करते हैं, तो आपको लग रहा है कि ये चीज़ कामयाब होगी जो आपने एक मुहिम ये उठाई? हाँ, ये कामयाब 2 वजह से होगी। एक तो होएगी कि जो टीचिंग्स है गुरु नानक की वो बहुत
आज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए और जनरल इंडिया की यूनिटी के लिए। अगर हम फॉरेन अफेयर्स में आ जाएं तो उनकी टीचिंग्स इंडिया पाकिस्तान के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी। रहा कश्मीर का मुद्दा, 370 एब्रोगेशन, ये तो 1950 में होना चाहिए था जब बाकी प्रिंसली स्टेट्स को सारा इंडियन यूनियन ने रख लिया था, तो क्यों डिले किया? सो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं है। तो अभी आप कौन कौन सी सरकार से मिले? जैसे हमारी केंद्र सरकार है उसमें किसी मंत्री से मिले, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे मिले इस चीज़ के लिए? हाँ जी, हमारे जो NRI मंत्री हैं राणा सोढ़ी पंजाब के, हम उनसे मिले। तो मुख्तार अकबर नकवी जी हैं जो माइनॉरिटीज़ के मंत्री, उनसे आज सुबह मिले। तो उनसे हमने ये रिक्वेस्ट की कि आप जो कर सकते हो इसमें करो, तो उन्होंने हमें अश्योरेंस दिया कि ये करतारपुर फाउंडेशन की जो है एस्टेब्लिशमेंट, ये जल्दी से जल्दी नवंबर 9th से पहले पहले करेंगे। सर, क्या यह देश के बाहर भी फाउंडेशन काम करेगी? जो NRC जो हमारे भाई रहते हैं बाहर, वहाँ पे भी ये काम करेगी या इंडिया के अंदर ही काम करेगी? जो मेन होगी होएगी करतारपुर फाउंडेशन, वो दिल्ली में होएगी, बाकी सारी कंट्रीज में होएंगी जहाँ जहाँ गुरु नानक के फॉलोअर्स हैं, जहाँ 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 हमारी इंडियन कम्युनिटी है, जहाँ जहाँ हमारे सिख NRIs हैं। सर, करतार सिंह कॉरिडोर पाकिस्तान में है और आप चाहते हैं उसमें इंडिया सरकार भी अपनी भागीदारी निभाए, वो मेन स्टेज पे, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सरकार इसके लिए एग्री होगी? करतारपुर फाउंडेशन बेसिस है सिख रिलीजन का, सिख रिलीजन मेजॉरिटी है पंजाब इंडिया में। पाकिस्तान का एक अपना बोर्ड है जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को देखता है, तो दैट इज़ उनका वो सेपरेट रहेगा, हमारा ये सेपरेट रहेगा, क्योंकि 99% जो सिख हैं NRIs हैं वो हमारे पंजाब इंडिया से। तो जैसे आपने अभी कहा कि जो पाकिस्तान है वो अलग देखेगा और इंडिया अलग देखेगा, क्या ये पॉलिसी चलेगी? हाँ जी चलेगी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट तो इंडिया से है जी, हमारा तो इंटरेस्ट हमारे बच्चों का, हमारा फ्यूचर, हमारे यू नो जो पास्ट है वो सारा डोमिनेंट पंजाब से है। तो ये चलेगा चलेगा, ये पाकिस्तान से बढ़िया चलेगा। थैंक यू सर। लाइक शेयर एंड कमेंट, टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।